नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बड़ी शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारत ने फिर दिखाई दरिया दिली, नेपाल को दिया लगातार सहयोग का भरोसा। बिहार के जयनगर से नेपाल के जनकपुर तक रेल लाइन का निर्माण। पंडित जसराज के निधन पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जताया दुख, कहा भारतीय शास्त्रीय संगीत को अपूर्णीय क्षति। जलभराव की समस्या को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की बैठक, कहा जलभराव की समस्या को तत्काल दूर करें। सीएम के गैरसैंण में भूमि को लेकर सवाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने उठाए सवाल, कहा गैरसैंण को लेकर सरकार गंभीर नहीं। विवादों में घिरे द्वाराहाट से बीजेपी विधायक, बीजेपी विधायक पर लगे यौन शोषण के आरोप, कांग्रेस ने कहा निष्पक्ष जांच हो। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे और मसूरी मार्ग कई घंटे बाद भी बंद, बद्रीनाथ और गौरीकुंड मार्ग खुला। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। खबर शुरुआत करती है, मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को शहर में जलभराव की समस्या के समाधान के निर्देश दिए हैं। जलभराव की समस्याओं के संबंध में विधायक हरवंश कपूर ने मुख्यमंत्री से भेंट की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिलाधिकारी देहरादून को शहर में जलभराव की समस्या के त्वरित निदान के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने विशेषकर टीचर कॉलोनी, गोविंदगढ़, मित्रलोक कॉलोनी की जलभराव आदि की समस्याओं का निराकरण संबंधित विभागों से समन्वय कर अविलंब समाधान के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के सीएम रावत अब गैरसैंण वासी कहलाएंगे। यह इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री खुद अब गैरसैंण के भूमिधर बन गए हैं। यह जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने दी है। मुख्यमंत्री ने रिवर्स पलायन का बड़ा संदेश देते हुए कहा कि गैरसैंण जन भावनाओं का प्रतीक है। गैरसैंण हर उत्तराखंडी के दिल में बसता है। लोकतंत्र में जन संभावनाएं सर्वोपरि होती हैं। गैरसैंण के रास्ते ही समूचे उत्तराखंड का विकास किया जा सकता है। सबसे पहले जनप्रतिनिधियों को ही रिवर्स पलायन करना होगा। रिवर्स पलायन से ही सुधरेंगी पहाड़ों की तस्वीरें और तकदीर। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं भी गैरसैंण का विधिवत भूमिधर बन गया हूं। देखिए, एक कोशिश की है कि पलायन ये वापसी हो इसकी, यानी कि लोग अपने गांव की जो प्रदेश से बाहर हैं वो अपने प्रदेश। आई सीधे छत्तीसगढ़ चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद हैं, दर्शन कर रहे हैं भगवान के। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंदिर पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो भगवान के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और के न्यूज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। लाइव तस्वीर आप छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। साथ में कई कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री निवास में पूरा तीजा त्यौहार कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके मद्देनजर खुद मुख्यमंत्री मंदिर पहुंचे हुए हैं और वो भगवान के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, पूजा अर्चना की है। के न्यूज आपको ये एक्सक्लूसिव और लाइव तस्वीरें दिखा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरा तीजा त्यौहार कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। तो मुख्यमंत्री निवास में पूरा तीजा त्यौहार कार्यक्रम किया जा रहा है और खुद मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की है। तो हरेली की तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर स्थित निवास में पोरा तीजा का त्यौहार 18 अगस्त यानी आज दोपहर 12 बजे से मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसकी
12 बजे से शुरुआत हो रही थी, लेकिन अब ये इसकी शुरुआत हो चुकी है। और वहीं पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोरा तीजा त्यौहार के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री निवास में विशेष इंतजाम किए गए हैं। ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। मुख्यमंत्री निवास परिसर में छत्तीसगढ़ की परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार साज सज्जा की गई है। मुख्यमंत्री 18 अगस्त यानी आज मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने खुद पूजा अर्चना करने के बाद इस तीजा पोरा त्यौहार कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं के न्यूज पर। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कार्यक्रम में एक सेल्फी जोन बनाया गया है, जहां नदियां बेला के साथ लोग सेल्फी ले सकते हैं। कार्यक्रम में पोरा चूकी शिवलिंग की पूजा की गई, वो भी आपने देखा। तो रईचूली झूला और चक्री झूला भी कार्यक्रम स्थल पर लगाया गया है। यानी ये जो कार्यक्रम है तीजा पोजा, यहाँ पर सज्जा तोड़ की जाती है और इसी को लेकर नदिया बेला के साथ सेल्फी भी ली जाती है। सुनकर पॉइंट बनाया गया है और झूले का कार्यक्रम भी किया जाता है। इन झूलों को लोग आनंद ले सकेंगे। तो कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए आयोजन में सीमित संख्या में लोगों को आमंत्रित किया गया है और यह कार्यक्रम सालों से चला आ रहा है। बड़े ही रीति रिवाज के साथ यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में किया जाता है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों से मास्क लगाकर आने तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की गई है। तो छत्तीसगढ़ का पोरा त्यौहार मूल रूप से खेती किसानों से जुड़ा हुआ पर्व है। यानी ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है तीजा पोरा का, वो खेती किसान से जुड़ी हुई है। खेती किसानी में बैल और गौवंशीय पशुओं के महत्व को देखते हुए इस दिन उनके प्रति आभार प्रकट किया जाता है। ये एक परंपरा रही है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि जो गौवंशीय होते हैं, बैल होते हैं, वो हमारे खेतों की फसलों में लगाने के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होते हैं, इनको लेकर उनकी पूजा की जाती है। और घरों में बच्चे मिट्टी से बने नंदी बैल और बर्तनों के खिलौने से खेलते हैं। घरों में ठेठरी, खुरमी, गुड़चीला, गुलगुल, भजिया जैसे पकवान तैयार किए जाते हैं। ये एक पारंपरिक त्यौहार है जो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हालांकि त्यौहार सालों साल मनाया जाता है, हर साल त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से कम ही लोग आमंत्रित किए गए हैं। और लोगों से यह अपील की गई कि आप लोग मास्क लगाकर आएँ और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और बता दें आपको कि इस पारंपरिक त्यौहार पर कई पकवान भी बनाए जाते हैं। बैलों की दौड़ भी इस अवसर पर आयोजित की जाती है। खासकर यहाँ पर बैल और गौवंशियों की पूजा की जाती है, क्योंकि जो बैल और गौवंशी होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो किसान की काफ़ी मदद करते हैं, फसल उगाने में मदद की जाती है। छत्तीसगढ़ में तीजा यानी कि हर ताल का बीज की विशिष्ट परंपरा है। महिलाएं तीजा बनाने ससुराल से मायके आती हैं। तीजा बनाने के लिए बेटियों को पिता या भाई ससुराल से बुलाकर लाती हैं। छत्तीसगढ़ में तीजा पर्व के इतना अधिक महत्व है कि बुजुर्ग महिलाएं भी इस खास मौके पर मायके आने के लिए उत्सुक नजर आती हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ये किसानी कार्यक्रम है, किसानी परंपरा है, इसको लेकर भी जानवरों की पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि जो बैल और गौवंशी होते हैं वो किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं, उनकी फसल उगाही के लिए काफ़ी उनकी मदद करते हैं, इसको लेकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस कार्यक्रम की शुरुआत पूजा अर्चना करने के बाद की है। लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, छत्तीसगढ़ से आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद, उनके साथ कई कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद हैं। स्टेज पर आप देख सकते हैं काफ़ी लोग मौजूद हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, लोगों के चेहरे पर मास्क नजर आ रहे हैं। और ये जो पारंपरिक त्यौहार है इसको लेकर काफ़ी महिलाएं उत्सुक नजर आती हैं। तो मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कार्यक्रम में सेल्फी जोन बनाया गया है, जहां नदिया बेला के साथ लोग सेल्फी भी ले सकते हैं। और इस कार्यक्रम में पोरा चुकी शिवलिंग की पूजा की गई, वो लाइव तस्वीरें भी आपने देखी। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पोरा चुकी शिवलिंग की पूजा की और वहीं पर
रायचुली झूला और चक्री झूला भी कार्यक्रम स्थल पर लगाया गया है ताकि लोग उसका आनंद ले सके। तो बता दें कि ये तीजा पोजा त्यौहार का कार्यक्रम हर साल किया जाता है, लोग काफी उत्साहित नजर होते हैं, काफी संख्या में लोग वहां पर मौजूद होते हैं, लेकिन कोविड-19 की वजह से यह कार्यक्रम किया तो जा रहा है लेकिन वहां पर सीमित संख्या में लोग मौजूद हैं। तो छत्तीसगढ़ में तीजा की विशिष्ट परंपरा है, बुजुर्ग महिलाएं भी काफी उत्सुक नजर आ रही है, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े बूढ़े हो, उनके लिए यह जो कार्यक्रम है काफी उत्साह वाला होता है और इसका इंतजार वह सालों साल इसका इंतजार करती हैं, लेकिन आज वो इंतजार उनका खत्म है क्योंकि आज यह कार्यक्रम किया जा रहा है। नदिया बेला के साथ सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, खेती किसानों से जुड़ा हुआ है यह तीजा पूजा कार्यक्रम। तो उत्तराखंड खबरों में आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा विकास भवन में राज्य मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा सोमेश्वर के विकास कार्य की समीक्षा बैठक की। इस दौरान राज्य मंत्री लापरवाह अधिकारियों पर सख्त नजर आई। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के लिए यह अंतिम चेतावनी है, आगे से लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अधिकारी विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि आपस में समन्वय बनाकर कार्यों का अनुश्रवण करना और सुनिश्चित करें जिससे स्थानीय जनता लाभान्वित हो सके। आज विधानसभा सोमेश्वर की समीक्षा बैठक की गई है और पूर्व में भी इससे एक महीने पहले 17 तारीख को समीक्षा बैठक की गई थी, उसी की प्रगति जानने के लिए आज पुनः बैठक की गई है और विभाग ने यहाँ पर कहीं पर प्रगति की है, कहीं पर विभाग को ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि समय बाध्यता के साथ में वो उसका एस्टिमेट बनाकर शासन को भेजने का काम करे। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री घोषणाएं थी विधानसभा सोमेश्वर के लिए उसका भी आकलन जो नहीं बन पाए हैं उसको भी त्वरित इन 15 दिनों के अंदर बनाकर शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। नैनीताल में परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने आधुनिक रोडवेज डिपो व मल्टी स्टोरी पार्किंग का शिलान्यास किया। इस दौरान यशपाल आर्य ने कहा कि भवाली में बनने वाला आधुनिक रोडवेज डिपो को ऐसा स्वरूप दिया जाएगा कि ये कुमाऊं क्षेत्र में रोल मॉडल का काम करेगा। उन्होंने डिपो के प्रतीक्षालय, प्रशासनिक भवन, कैंटीन, लेडीज एवं जेंट्स के अलग अलग टॉयलेट बाथरूम के अतिरिक्त निर्माण हेतु 2 करोड़ रुपए की घोषणा की। लगातार हो रही बारिश के कारण पांखू क्षेत्र के लोहाथल, खोला गांव, संगोर, एराड़ी, कूड़ी गांव में आपदा आने से भारी नुकसान हुआ है। इन गांव में सैकड़ों मकान खतरे की जद में आ चुके हैं। कई मकान में रह रही लोगों को अन्य जगह शिफ्ट किया गया है। विधायक मीणा गंगोला ने आपदा ग्रस्त ग्रामों को भ्रमण करके प्रभावित टेंट उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। बता दें कि कोड़ी गांव के एक दर्जन परिवार टेंटों में रह रहे हैं। विधायक मीणा गंगोला ने एक टेंट में रह रहे परिवारों को अपने निजी संसाधनों से खाद्य सामग्री भी दी है और इस दौरान आपदा प्रभावितों को मदद करने का भरोसा दिलाया है। मौके से डीएम को फोन करके यहां पर शीघ्र आपदा प्रभावित हुए क्षति का आकलन करने का मुआयना देने का भी आदेश दिया गया है। विधायक घायल होने के बाद भी जो लोग घायल हो गए हैं लाठी के सहारे आपदा प्रभावितों के हालचाल जानने के लिए पहुंचे। जहाँ पे आप बहुत ज्यादा आपदा आई है, लोहाथल से शुरू करा, लोहाथल और खोला गांव, लेथी, कूड़ी जो संगौर ग्राम पंचायत में आता है, इन क्षेत्रों में गए। वाकई में वहां पे बहुत बेहाल हुए हैं लोगों के, बिल्कुल घर के आगे के दीवार जाकर के खंडर हो चुका है, पीछे बिल्कुल सिर्फ कहीं कहीं पर ऐसा है कि मकान ही मकान रहा है, तो मकान भी रहने लायक नहीं है। उत्तराखंड के दौरा हाट से बीजेपी विधायक विवादों में घिर गए हैं। एक ओर उनकी पत्नी ने एक महिला पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है, तो वहीं आरोपी महिला ने विधायक महेश नेकी पर भी यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है, लेकिन अब मामला सियासी रूप ले चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। विधायक
मामला नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र का है, जहां विधायक महेश नेगी की पत्नी ने एक महिला पर ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज कराया है। तो वहीं आरोपी महिला ने वीडियो के जरिए बीजेपी विधायक पर 2 साल से यौन शोषण का आरोप लगा दिया। महिला का आरोप है कि विधायक महेश नेगी के साथ उसके रिश्ते हैं और दोनों की एक बेटी भी है। उन्होंने स्थिति साफ कराने के लिए डीएनए टेस्ट की भी मांग की है। वहीं बीजेपी के विधायक पर आरोप लगाने के बाद कांग्रेसी मुखर हो गए। कांग्रेसी प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सीधे तौर पर तो विधायक पर आरोप नहीं लगाया, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि विधायक की पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई है और दूसरी ओर जिस महिला के नाम पर एफआईआर दर्ज हुई है उसने भी बयान जारी कर विधायक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। ऐसे में ये मामला गंभीर है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब ये समझ से परे है कि महिला द्वारा 5 करोड़ की फिरौती क्यों मांगी जा रही है। कोई कारण स्पष्ट नहीं है जो एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन जिस महिला पर आरोप लगाया गया जो फिरौती मांग रही है उसका एक वीडियो वायरल हुआ है। अब उसकी सत्यता क्या है मैं उस पर अभी कोई टिप्पणी करूँ तो उचित नहीं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। उस वीडियो में वो महिला ये कहते हुए अपनी बात कह रही है कि विधायक जी द्वारा विगत 2 वर्षों से जो है उसका शारीरिक शोषण किया गया और शारीरिक शोषण करने के उपरांत एक बच्ची को भी जन्म दिया गया है। वो महिला कह रही है कि बच्ची का और विधायक जी का डीएनए कराया जाए ताकि जो वास्तविकता है वो सामने आ सके। वहीं ब्लैकमेलिंग के आरोपी महिला ने विधायक पर 2 साल से यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए एक वीडियो जारी किया, जिसमें महिला का दावा है कि विधायक के साथ रहे संबंधों से हमारी एक बेटी हुई है, उसका डीएनए टेस्ट कोर्ट के थ्रू करवा लिया जाए, सब साफ हो जाएगा। मेरे पास उनकी बेटी है, मेरे को उनकी बेटी हो रखी है, जिससे मैं अपनी बेटी के खिलाफ आवाज़ उठाना चाह रही हूँ। उनने लगभग 2 साल से मेरे से शारीरिक शोषण कर रखा है, जिसके खिलाफ मैं अब आवाज़ उठाना चाह रही हूँ। तो मुझे डर है अपनी जान का, अभी मुझे अपनी जान का, अपनी बेटी की जान का, दोनों की जान की परवाह है, और मैं उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा लड़ना चाहती हूँ। अपनी बेटी का डीएनए टेस्ट करवाना चाहती हूँ। मेरी बेटी का डीएनए अगर उनसे मैच होता है तो मैं अपनी बेटी को वो सारे हक दिलाना चाहती हूँ जो एक बेटी को मिलने चाहिए। और आज सुबह मेरे घर में पुलिस वाले आते हैं, देहरादून में रह रही हूँ मैं अभी, मेरे घर में पुलिस वाले आते हैं और मुझे कोविड का बहाना देके वो जबरदस्ती मुझे यहाँ से चौकी नेहरू कॉलोनी ले गए। मैं बुला के मैं फिर प्रेसर बनाया उनने कि अब तुम किस तरह से निपटना चाहती हो। तो मैंने उनको यही बोला कि मैं महेश नेगी से अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहती हूँ और डीएनए मैं कोर्ट के थ्रू टेस्ट कराना चाहती हूँ। मैं अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी, मेरे हस्बैंड के साथ मेरे बच्चे का डीएनए टेस्ट हो चुका है, मेरे बच्चे का डीएनए मेरे हस्बैंड से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए मैं महेश नेगी के साथ मेरे बच्चे का डीएनए टेस्ट कराना चाहती हूँ। उन्होंने झूठा मुकदमा मेरे पे लगाया है, झूठा आरोप मेरे पे लगा रहे हैं। वहीं भाजपा संगठन अपने विधायक के बचाव में पक्ष में नजर आई। हालांकि अभी मामले की जाँच चल रही है, लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने विधायक पर लगे सभी आरोप गलत बताए हैं। विधायक की पत्नी ने तो एफआईआर लिखा है, लेकिन उस महिला के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी और सत्ताधारी पर लगा देना, ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता। उसने आरोप लगाया है तो लिखित के जिसको देगी तो उसकी पुलिस जाँच करेगी। संगठन में अगर विधायक आरोप पाया जाता तो विधायक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। डीआईजी अरुण मोहन जोशी का कहना है कि मामला सेंसिटिव है। इस मामले में एक महिला पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामले की जांच चल रही है। इस बारे में एफआईआर रजिस्टर की गई है और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो फाइंडिंग्स रहेंगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, ये एप्लीकेशन किसने दी है और क्या क्या अभी तक? देखिए, ये क्योंकि सेंसिटिव मामला है तो इसलिए जो महिला है जिनके एलिगेशन है और जिनने एप्लीकेशन दिया है उनका आइडेंटिटी रिवील करना मुझे लगता है ठीक नहीं रहेगा। अभी तक कोई पूछताछ में कुछ बातचीत पर चली है? मैंने ऑलरेडी बताया इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो भी फैक्ट्स उसमें आएंगे सब हम लोग कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में राजनेताओं इस तरह के आरोप लगना पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई नेता इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। हालांकि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है और सत्तारूढ़ विधायक पर ही आरोप लगे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि भाजपा अपने विधायक के बचाव में क्या करती है और कांग्रेस इस मुद्दे को किस तरह से जनता के बीच जाकर भुनाने की कोशिश करती है। देहरादून से के न्यूज के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। नैनीताल में लंबे समय से बस अड्डे, पार्किंग और जाम से मुक्ति दिलाने की मांग कर रहे भवाली को जल्द ही निजात मिलने जा रही है। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य और नैनीताल विधायक संजीव ने भवाली में मल्टी स्टोरी पार्किंग व बस स्टेशन का भूमि पूजन किया। यशपाल आर्य ने कहा कि मल्टी स्टोरी पार्किंग और बस अड्डे के लिए
4,26,00,000 का बजट स्वीकृत किया गया है जो 1.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे भवाली की जनता को जाम से मुक्ति मिलने के साथ ही यहां आने वाले पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। वहीं परिवहन मंत्री ने कहा कि कोविड-19 के चलते अभी केवल राज्य के अंदर ही बसों का संचालन हो पा रहा है। भविष्य में भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए राज्य के बाहर भी बसों का संचालन किया जाएगा। हमने 4,26,00,000 का बजट स्वीकृत किया है, जिसके सापेक्ष हम 1.5 करोड़ रुपया अभी दे चुके हैं। जैसे ही इसकी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित एजेंसी इसको भेजेगी तो इसमें धनराशि, शेष धनराशि भी अवमुक्त कर दी जाएगी। भाजपा विधायक महेश नेगी पर लगे आरोपों को लेकर विपक्ष को भी सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है। इस पूरे मामले पर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि सॉफ्ट टारगेट होता है। ऐसे प्रकरण में विधायक ही नहीं बल्कि जनसामान्य को भी कोई व्यक्ति इस तरह के कर्तव्य करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मामले में जिस तरह से विधायक की पत्नी ने ब्लैकमेलिंग की शिकायत की है वो भी संदेह के घेरे में है और जो महिला के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं वो भी गंभीर है। इसलिए सरकार को उसके बच्चे और विधायक का डीएनए जांच करवा कर निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर भी पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर एक महिला द्वारा आरोप लगाए गए हैं और जो वीडियो वायरल हो रहा है, मैं समझता हूँ सभी लोगों ने इसको देखा भी है, और जो 5 पेज के लगभग एक, उसको मैं पत्र कहूँगा या पुलिस को जो है शिकायती पत्र कहूँगा, वो भी हमने देखा है। इन तमाम चीज़ों से जो है ये लगता है कि कहीं ना कहीं पर दाल में कुछ ना कुछ काला है। आज के दौर में जहां 60 से 80 वर्ष की उम्र को औसतन माना जाता है तो वहीं 132 वर्ष की उम्र में खुद को हस्तपुष्ट रखकर परमानंद महाराज ने एक मिसाल कायम की है। बताया जाता है कि पिछले 30 सालों से वो नैनीताल में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उन्होंने अपनी लंबी उम्र का राज सदाचार को बताया है। जीवन में सफर अच्छा ही रहा, हम हमारे लाइफ सक्सेसफुल रहा, सर्व प्रकार में हम सक्सेसफुल रहा, गृहस्थ जीवन में भी सक्सेसफुल रहा और संन्यास जीवन में भी मैं सक्सेसफुल रहा। एलिवेसी सेलिवेसी डेडिकेशन, ये 3 विषय चाहिए। उस शिक्षा में कमी है हमारे देश में। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अपनी एक सूत्री मांग को लेकर आज गन्ना किसान आयुक्त कार्यालय में घेराव किया और सहायक गन्ना आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। भारतीय किसान यूनियन के गुरदीप सिंह का कहना है कि हमने गन्ना सहायक आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है जिसमें हमारी एकमात्र मांग है कि जो हमारा गन्ने का भुगतान है वो जल्द किया जाए, क्योंकि हम लोगों का भुगतान फरवरी से रोका हुआ है जिसमें चलते किसानों के सामने काफी परेशानी आ रही है। किसान कर्ज में डूबता जा रहा है लेकिन सरकार किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा यदि जल्द ही हमारा भुगतान नहीं किया गया तो किसान भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सड़कों पर उतरेंगे। जो आज ज्ञापन सौंपा गया है और जिन मुद्दों पर बात हुई है वो गन्ना मूल्य भुगतान से संबंधित है। इस बारे में हम विदित हैं कि डोईवाला शुगर फैक्ट्री का 44 करोड़ का लगभग भुगतान शेष है जिसका अवशेष का प्रतिशत 49.15% है। इस संबंध में मैं सूचित करना चाहूंगी कि 240 करोड़ रुपए का जो बजट है वो स्वीकृत हो चुका है और हमारे गन्ना एवं चीनी आयुक्त महोदय के कार्यालय से 193 करोड़ का प्रपोजल शासन में जा चुका है। तो इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। नमस्कार।